हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं लार्वा 8। और लार्वा 8 के आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल के बारे में। ठीक है, तो मॉडल समझाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, जैसे कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कंट्रोलर का बारे में बात किया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ आपका web.php। ठीक है, और web.php में यहाँ पे हम लोगों ने एक रूट सेट किया था कंट्रोलर का, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद में व्यू के अंदर में भी एक पेज था हमारा student.blade.php नाम का, तो इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ भी नया नहीं है। जैसे आप लार्वा का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपके पास जो फाइल अवेलेबल होता है वो सारा फाइल ही इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो मॉडल समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा जो एक्सकेम वाला कंट्रोल पैनल है उसमें जाके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एपीएचई का सर्वर। और उसके बाद यहाँ पे माई सीक्वल, इसको भी हम लोगों को स्टार्ट कर लेना होगा। ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद ये दोनों स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा से मेरा कंप्यूटर फंस रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए अपेची सर्वर और माई सीक्वल सर्वर जो है ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ ब्राउजर पे, ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लोकल होस्ट और इंटर मार देंगे। उसके बाद यहाँ पे माई पीएचपी, मतलब कि हम लोग पीएचपी का एडमिन पैनल में जा रहे हैं। अब देखिए हम लोग अपना डाटाबेस में आ गए हैं। ठीक है ना, पीएचपी माई एडमिन का डाटाबेस में आ गए हैं और यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए न्यू नाम का आपको दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा होगा डाटाबेस नेम, तो यहाँ पे मैं एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ माई डीबी। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक डाटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को टेबल बनाना होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि जो मॉडल हम लोग बनाएंगे तो मॉडल जो रहेगा वो सिंगुलर नाम में रहेगा और जो टेबल रहेगा वो हमारा प्लूरल नाम में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स नाम का, तो जो मॉडल मैं क्रिएट करूंगा वो स्टूडेंट रहेगा, उसमें यस नहीं रहेगा, टेबल में यस रहेगा और उसमें यस नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं गो में क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम में 4 ही रखने वाला हूँ इसका। सबसे पहला फील्ड यहाँ पे मैं आईडी लेने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पे नेम लेने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्स लेने वाला हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं फी लेने वाला हूँ, और उसके बाद जो आईडी है इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नेम है इसका जो लेंथ है मैं 255 दे दे रहा हूँ, कोर्स का लेंथ भी मैं 255 दे दे रहा हूँ और फी का लेंथ भी मैं 255 दे दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर हम लोग नीचे चलेंगे और यहाँ सेव वाला जो बटन होगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो टेबल है वो बन गया। अब इसमें कुछ हम लोग डाटा भी डाल देते हैं, तो डाटा डालने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, उसके लिए हम लोग को जाना होगा इंसर्ट में। ठीक है, तो इंसर्ट में चलेंगे हम लोग। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे कुछ नाम हम लोग यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं अपना अच्छा वाला नाम लिख देता हूँ सचिन। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स। अच्छा देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है कि यहाँ पे सब में क्या दिखा रहा है, INT INT INT, दैट मींस जो डाटा टाइप है वो हम लोग चेंज नहीं किए थे, उसके लिए फिर से स्ट्रक्चर में जाना होगा हम लोगों को। ये हम लोगों से हल्का सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे यू आर अनसेफ, यस ओके, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग अनसेफ ही करते इसको। हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ डाटा टाइप होता है जो नेम कोर्स फी है, ये सब में INT मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, ठीक है ना, इसको चेंज करना होगा। तो ये तीनों को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में नीचे में यहाँ पे चेंज ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे जो INT था, यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप इसका क्या लेने वाले हैं, वैरचार। और यहाँ पे भी इसका डाटा टाइप क्या लेने वाले हैं, वैरचार। और यहाँ पे भी इसका डाटा टाइप क्या लेंगे, ये INT में भी रहेगा तो चलेगा, बट इसको भी हम लोग फिलहाल के लिए वैरचार ही ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके अब ये चेंज हो गया है। अब वापस से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे फिर मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सचिन। उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्स का नाम दे देता हूँ DCA, यहाँ पे मैं फी दे देता हूँ। उसके बाद में फिर नीचे और एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पिंकू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका PGDCA। और उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे मैं फी दे देता हूँ। और उसके बाद में फिर एकदम नीचे में देखिए गोल्ड वाला बटन होगा, इस पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है अब वापस से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ब्राउज में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ID और नेम, कोर्स नेम और फीस नेम, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग के पास में एक टेबल है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और उसके अंदर में यहाँ पे कुछ डाटा भी है, ठीक है, जिसमें नाम है, कोर्स है और फी है। अब यहाँ पे डाटाबेस वाला काम हो गया हमारा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और वापस से हम लोग कहाँ आ गए, हमारा जो पेज था, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट था लार्वा का, उस पे हम लोग आ गए, है ना। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा PHP आर्टिशन, उसके बाद मेक एंड देन सेमी कॉलन, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडल। उसके बाद मॉडल का नाम, मॉडल का नाम कैपिटल में लिखना होगा, जैसे कि वहां पे जो टेबल हम लोग बनाए हैं, टेबल का नाम हम लोग स्टूडेंट्स दिए थे, तो मॉडल का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग मॉडल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एस नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा, देखिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब ये मॉडल बना कहाँ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट में यहाँ ऐप वाला फोल्डर में जाना होगा। ऐप वाला फोल्डर में जाएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे एक मॉडल नाम का फोल्डर होता है, और इस पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बना बन के आ जाएगा एक आपका स्टूडेंट वाला मॉडल, ठीक है, मैं समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को एक कंट्रोलर बनाना होगा, ठीक है, तो कंट्रोलर भी बना लेते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए क्या लिखना होगा, PHP आर्टिशन, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, CONTROLLER, कंट्रोलर। और उसके बाद कंट्रोलर का नाम, तो कंट्रोलर का नाम यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, और इंटर मार देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कंट्रोलर भी बन गया है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोलर, तो आप लोगों को पता होगा कहाँ मिलेगा हम लोगों को, वो ऐप फाइल में HTTP में, और यहाँ पे देखिए कंट्रोलर फोल्डर, और यहाँ पे हम लोगों का एक कंट्रोलर बन गया है, कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वो मॉडल का यूज करने वाले, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज, उसके बाद में फिर उसका एड्रेस ऐप, उसके बाद में फिर आपका इस प्रकार से स्लैश, और ये कहाँ ऐप में मॉडल नाम का एक फोल्डर है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मॉडल, और उसके बाद में मॉडल्स, एक मिनट क्या है, मॉडल्स है ठीक है, मॉडल्स, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम क्या है, STUDENT स्टूडेंट ठीक है, और इसको बंद कर देंगे हम। देन यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे नाम देंगे हम लोग पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ देने वाला हूँ गेट ऑल, दिस इज द नेम ऑफ अवर फंक्शन। और उसके बाद इस फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं, ST कोई भी नाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो मॉडल का नाम था हमारा स्टूडेंट ठीक है, इसी नाम का एक क्लास बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद में यहाँ पे 2 बार हम लोग सेमी कॉलन देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑल लिख देंगे ठीक है। तो अब क्या होगा कि जितना भी हम लोग का टेबल में जो भी डाटा था, वो सारा डाटा जो होगा ये वहां से लेके हम लोग को देगा ठीक है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, नहीं एरर हट गया है ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सिंपली क्या कर देता हूँ, एक बार रिटर्न करके मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट का स्पेलिंग STUDENT, DUNT इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, फिर भी गलत स्पेलिंग क्यों लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग इसका रूट भी सेट करेंगे, तो रूट सेट करने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को रूट वाला फोल्डर में जाना होगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा चलते हैं नीचे, और थोड़ा नीचे, ये देखिए रूट्स वाला फोल्डर, रूट्स वाला फोल्डर में जाने के बाद में हम लोग को कहाँ जाना होगा, web.php, और web.php में यहाँ पे हम लोग को रूट सेट करना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद में गेट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे पाथ, तो यहाँ पे पाथ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट। देन यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में जो हमारा कंट्रोलर जो हम लोग बनाए थे वो लिखना होता है, तो हमारा क्या नाम था, स्टूडेंट कंट्रोलर, STUDENT स्टूडेंट कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे आ गया है स्टूडेंट कंट्रोलर। और उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर सेमी कॉलन लिखेंगे ना, स्टूडेंट कंट्रोलर, और देन यहाँ पे हम लोग इस तरह से देंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे क्लास ठीक है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद में जो फंक्शन वहां का हम लोग को चाहिए उसका नाम, तो कॉल कराना है जो फंक्शन को, गेट ऑल, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख देंगे, देन यहाँ पे हम लोग बंद करेंगे। और एक चीज यहाँ ऊपर में हम लोग को इसको लिखना होगा इस तरह से, देखिए यूज ऐप HTTP कंट्रोलर स्टूडेंट, हालांकि नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इस चीज के बारे में, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ ठीक है। उसके बाद में अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोगों को अपना पेज को ओपन कर लेना है वेब ब्राउजर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा PHP आर्टिशन SERV सर्व, और उसके बाद इंटर हम लोग मारेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लिंक मिल गया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्राउजर में, देन यहाँ पे एक न्यू टैब खोल लेते हैं, लिंक को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटर कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। अब ये जो था ये आपका वेलकम पेज दिख रहा है ठीक है ना,
और हम लोगों को यहाँ पे यूआरएल देना है जिसके माध्यम से हम लोग वहाँ डाटाबेस का डाटा देखना चाहते हैं ना। तो उसका यूआरएल क्या था, स्टूडेंट था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ। यहाँ पे एरर मिल रहा हम लोगों को, स्टूडेंट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये ऐसा क्यों मिला हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि हम लोगों को कंट्रोलर का नाम चेक करना पड़ेगा कि जो कंट्रोलर हम लोग लिखे थे उसका नाम हम लोग क्या दिए थे। देखिए यहाँ पे हम लोग दिए हैं स्टूडेंट कंट्रोलर और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। फिर ऊपर में एक बार चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखे, स्टूडेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर लिख देंगे क्योंकि इससे पहले जो कंट्रोलर मैं बनाया था वो स्टूडेंट का था, तो उसी का ही पाथ यहाँ पे दिया हुआ था, है ना। तो उसको मैंने चेंज नहीं किया था। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर लिखना था हम लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग फिर से वापस यहाँ आ गए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे हम लोग। फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अच्छा वेरी गुड। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने सब किया मगर डाटाबेस के साथ में हम लोग कनेक्शन नहीं किए। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को जाना होगा, कहाँ जाना होगा, डाटाबेस का जो कनेक्शन होता है उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ता है एक फाइल में और उस फाइल का नाम होता है, लार्वा में एक फाइल मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे ENV नाम का, आपको यहाँ जाना होगा। और यहाँ जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप जाइएगा और जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए DB कनेक्शन माई SQL लिखा हुआ है और डाटाबेस का नाम यहाँ पे लार्वा लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग का जो डाटाबेस है उसका नाम क्या है, माई DB, उसका नाम क्या है, माई DB। तो यहाँ पे .env में ही हम लोग डाटाबेस का जो होस्ट नेम होता है, डाटाबेस का नाम होता है, यूजर नाम और पासवर्ड हम लोग देते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर नेम रूट है रहता है और ये पासवर्ड हम लोग अगर नहीं दिए रहते तो पासवर्ड रहता नहीं। अगर आप लोग यूजर नेम दिए रहेंगे तो इस रूट को हटा के अपना यूजर नेम दे दीजिएगा और पासवर्ड दिए रहेंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये सारा चीज करने के बाद एक बार हम लोग फिर से जाते हैं और देखते हैं क्या हम लोग एरर रिसीव कर रहे हैं या फिर हम लोग डाटा रिसीव कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग डाटा रिसीव कर रहे हैं जो कि हमारा डाटाबेस में अवेलेबल है, नाम सचिन, कोर्स DCA, फी 7500 और फिर दूसरा जो ID का डाटा है पिंकू, कोर्स PGDCA और फी समथिंग समथिंग। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ तक हम लोग समझ गए डाटाबेस से डाटा लाने के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है ना, और फिर कंट्रोलर के थ्रू में हम लोग उस डाटाबेस को रिट्रीव करते हैं। लेकिन अब रहा सवाल कि अगर इस डाटाबेस को मैं पेज में अगर डालना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक पेज मैं व्यू में बना लेता हूँ, तो पेज बनाने के लिए कहाँ जाना होगा हम लोग को, व्यू वाला फोल्डर में जाना होगा। ठीक है ना, एक मिनट, व्यू वाला फोल्डर कहाँ मिलेगा हम लोग को, रिसोर्स में मिलेगा, रिसोर्स में जाके व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे एक पेज में बनाऊंगा, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं देने वाला हूँ एस स्टूडेंट ही देने वाला हूँ, स्टूडेंट डॉट ब्लेड BLAD ब्लेड डॉट PHP। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग HTML का कोड लिख देते हैं, HTML5, और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H1 टैग के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं STUDENT स्टूडेंट इन्फो, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंट्रोलर वाला पेज में,
स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट पीएचपी वाला पेज में, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे डाटा को कैसे पास किया जाता मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस क्लास में, एक बार आप देख लीजिएगा ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा मगर वहां पे मैंने क्या है कि पूरा कंट्रोलर का बनाया बनाया था वीडियो, आप एक बार उसको देखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा व्यू, क्योंकि हम लोगों को वो पेज व्यू करवाना है ठीक है। और व्यू के बाद ब्रैकेट और इसके अंदर में पेज का नाम, तो पेज का नाम क्या है स्टूडेंट ठीक है। अब इसके साथ में हम लोग को डाटा पास करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ मैं विथ वाला फंक्शन यूज करके डाटा को पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा विथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, पहले यहाँ पे डाटा का नाम, तो डाटा का नाम मैं यहाँ पे डाटा दे देता हूँ ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसके माध्यम से सारा डाटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं स्टूडेंट, हो गया। अब ये डाटा हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। अब इस पेज में हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, कहाँ गया कौन सा पेज, आपका स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाला पेज में ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल, और टेबल के अंदर में यहाँ पे मैं एक टी आर ले ले रहा हूँ, टी आर, टी आर, और टी आर के अंदर में फिर मैं यहाँ पे एक टी डी ले रहा हूँ, और टी डी के अंदर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, उसके बाद फिर एक टी डी ले ले रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ कोर्स, और उसके बाद फिर एक टी डी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और टी डी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फी ठीक है, फी। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस टी आर को कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब जो डाटा है उसको हम लोग फोर लूप के माध्यम से लाएंगे, तो यहाँ पे मैं फोर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये ब्लेड टेम्पलेट है, तो यहाँ पे फोर लूप लिखने के लिए इस प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ेगा, एट द रेट देना होगा, उसके बाद फोर लूप लिखना होगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कंट्रोलर में हम लोग जब डाटा पास कर रहे थे तो यहाँ पे एक नाम दिए थे डाटा, इस डाटा का ये नाम का यूज करना है हम लोगों को ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डाटा वेरिएबल ठीक है, और उसके बाद एस, और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी नया वेरिएबल का नाम लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। अब रहा सवाल कि इसको एंड भी करना है फोर लूप को, तो नीचे में यहाँ पे आप एंड कर लीजिएगा एट द रेट, और फिर एंड, और उसके बाद में यहाँ पे फोर लूप, एंड फोर लूप, ये यहाँ एंड हो गया। अब डाटा को कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो यहाँ नेम, नेम में हम लोग क्या करेंगे, दो बार आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करवाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे डॉलर साइन एस टी डी, जो यहाँ पे नया जो वेरिएबल का नाम दिए थे हम लोग, ये वाला एक एक वेरिएबल उठाने के लिए, और उसके बाद में जो फील्ड का नाम होगा, जैसे पहला फील्ड का नाम आपका नेम है ठीक है, वो लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग वहां से नेम रिसीव कर लेंगे, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, फिर कोर्स वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ फी वाला में मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सी ओ यू आर एस ई कोर्स, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा एफ डबल ई फी, और ये सारा चीज लिखने के बाद में वापस एक बार हम लोग यहाँ चलते हैं और इसी पेज को हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अनवेरिएबल स्टूडेंट दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल स्टूडेंट, ये क्यों दिखा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल स्टूडेंट, इसके लिए हम लोगों को कंट्रोलर में जाना होगा, और कंट्रोलर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, इट इज़ ए वेरी बिग मिस्टेक ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था, इसी वेरिएबल को ना पास करेंगे तब ना डाटा आएगा ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको सुधार लिया, और उसके बाद में फिर इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार हम लोग। तो देखिए, अब देखिए हमारा पेज में हम लोग वो डाटा को डिस्प्ले करवा ठीक है। अगर आप लोगों को मॉडल समझ में आया होगा और मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।